नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और मौका है वर्ल्ड एपिलिप्सी डे का, यानी जिसको कि आम भाषा में मिर्गी कहा जाता है, मिर्गी के दौरे जिसको हम बोलते हैं। आज का जो एक कार्यक्रम है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पूरा सुने, क्योंकि इसको सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्गी के दौरे को लेकर या मिर्गी की बीमारी को लेकर आपके मन में जितने सवाल हैं उन सभी के आपको जवाब मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर सुमित सिंह से। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे अब हम मिर्गी के दौरे, जिसको कि हम बोलते हैं एपिलिप्सी बोलते हैं, इसके जो अगर बात करूँ क्या रीज़न्स होते हैं, क्या कारण रहते हैं? देखिए, दो प्रकार की एपिलेप्सीज होती हैं। एक होती है सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी। मान लीजिए आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जिसमें डायुरेटिक्स हैं, तो आपका सोडियम कम हो सकता है। डायबिटीज़ की दवाई आपने गलत ली, आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। ब्रेन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ट्यूमर हो गया, कोई क्लॉट बन गया, कोई चोट लगी, उसका घाव रह गया, तो उस प्रकार के रोगियों में एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। इसको सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में 3 खराब सेल्स होते हैं। उन 3 में यदि कम्युनिकेशन एरर हो जाए या उनके अंदर बिजली ज़्यादा बनने लगे तो भी एपिलेप्सी हो सकती है। इसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण होते हैं एपिलेप्सी होने के। सर, जो एपिलेप्सी के, जो मिर्गी के दौरे के अगर मैं बात करूँ, मरीज़ जो आम लोग लगते हैं, बिल्कुल आम जीवन जीते हैं अगर मैं बात करूँ, तो क्या इसमें कोई लक्षण होते हैं जिनसे पता चल सके कि भाई इसको इस तरह की प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं ये। किसी भी तरीके से आप ये नहीं बता सकते कि इस बंदे को दौरा पड़ेगा। हाँ, यदि मरीज़ को ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो उसको दौरा पड़ने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा आए होंगे, तो उसको हम पहले से ही दवाइयाँ दे देंगे। किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, उसको दौरे के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जिसको ऑलरेडी मस्तिष्क की कोई बीमारी है उसको दौरा पड़ने के चांसेस तो होंगे, परंतु एक जनसाधारण के रूप में हम नहीं बता सकते कि फला मरीज को दौरा पड़ना होगा ही होगा। अच्छा सर, इसमें अगर एक चीज़ होती है कि मैं अगर समझूं कि अगर किसी को दौरा पड़ता है मान लीजिए, तो उसको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो आपको सिर्फ मरीज़ को एक साइड में लिटा देना है, उसके दौरे को रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है, उसके दांतों की जो भीचना है उसको खोलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि दांत टूट सकते हैं और वो टूटा हुआ दांत फेफड़ों में जा सकता है। उसके झागों को जो मुंह से निकलेंगे उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है। उसके आसपास से सारी ऐसी चीज़ें हटा ली जाएं जिससे उसे चोट लगने की संभावना हो, और जब उसका दौरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको तुरंत एक पास के अस्पताल में पहुँचा दिया जाए। उस टाइम पर किसी भी प्रकार की चप्पल या जूता सूंघाना उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सर, एक आम धारणा है कि मिर्गी का जो है ना कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। 70-80% मिर्गी बहुत ही अच्छी तरीके से या तो पूरी तरीके से परमानेंटली क्योर हो सकती है या बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि संभव नहीं है इलाज। बाकी जो 20% बचते हैं उनमें भी हम उनकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और वेरियस परसेंटेजेस तक उन 20% रोगियों को भी काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं। सर, आपने बोला ठीक हो सकती है, क्योर की जा सकती है, बेटर पोजीशन पे उनको लाया जा सकता है, तो किस तरह के ट्रीटमेंट हैं सर जो अवेलेबल हैं मिर्गी के? देखिए, 70-80% लोगों को सिर्फ दवाइयाँ देनी होती हैं, उसमें से समझ लीजिए 50-60% लोगों की दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे रोगी होंगे जिनको दवाई जब तक आप लेते रहेंगे तब तक दौरे पड़ेंगे नहीं, लेकिन जब दवाई बंद करेंगे तो दौरे पड़ जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को पूरी लाइफ दवाई लेनी होती है। 20% रोगियों को ऑपरेशन की या किसी और प्रकार के एडवांस ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। सर, जिन बच्चों को या जिन लोगों को मिर्गी के दौरे अगर पड़ते हैं, तो अक्सर उनके माँ बाप कोशिश ये करते हैं कि उसको छुपा लें, उसको दबा लें, इस बात को बाहर ना पता चले, उनकी शादी में बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, उनके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक एपिलेप्सी का मरीज, मिर्गी का मरीज नहीं कर सकता। 2 एक प्रोफेशंस हैं, जैसे हाई फ्लाइंग है या पायलट्स हैं, वो नहीं बन सकते, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स नहीं बन सकते या वो एरोनॉट्स नहीं बन सकते। बहुत हाई रिस्क वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। तो जब एक नॉर्मल आदमी जो जो काम कर सकता है, जब एक मिर्गी का रोगी भी वो काम कर सकता है, तो उसको किसी भी प्रकार से बचाना या किसी भी प्रकार से उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना ये गलत होगा। शादी में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आराम से दी जा सकती हैं,
इवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमारे साथ डॉक्टर अनीता सिंह हैं। डॉक्टर अनीता सिंह सत्वम एनजीओ है जिसकी मैनेजिंग ट्रस्टी है और ये हेल्थ पे अवेयरनेस को लेकर इनकी एनजीओ बहुत काम करती है। डॉक्टर अनीता, एपिलेप्सी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी ज़रूरत है इसमें अवेयरनेस की? देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारा एनजीओ, हमारा इनिशिएटिव पर्पस है वो हेल्दियर लाइफ फॉर ऑल है। तो जैसे एपिलेप्सी, आज इन्होंने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पे अवेयरनेस की बात करी। अवेयरनेस देखिए, खाली अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो ये कि बीमारी के बारे में अवेयरनेस, उसमें किस तरह के इलाज उपलब्ध हैं और जो लोगों की धारणाएँ हैं उसका निवारण, कि भाई इलाज कितने समय तक होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स ने अभी भी बताया कि कई बार क्या होता है, मरीज़ दवाई लेता है और फिर उसको आराम मिल जाता है तो उसको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया, डिसकंटिन्यू। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जिसके कारण मरीज़ अगर इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या फिर इससे तकलीफ हो सकती है। और दूसरा ये कि परिवार, मेरे साथ है कि मरीज़ और उसकी फैमिली, उनको कैसे सपोर्ट मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक आप सोसाइटल अगर आप देखते हैं तो एक मरीज़ और फैमिली को फिर भी पता है, लेकिन अगर हम इसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि भाई क्या बीमारी होती है और छूने से नहीं होती इससे, तो उससे क्या है कि वो जो मरीज़ है उसकी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती है, स्टिग्मा को दूर करना, आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ताकि वो एक नॉर्मल सोसाइटी में एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह करें। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, पर यह है कि भाई इसमें बाई चांस किसी को दौरा पड़ गया तो आसपास लोगों को पता चल जाता है, नहीं तो अगर मरीज़ इलाज ले रहा है और नहीं पड़ता उसको पब्लिकली तो नहीं पता चलता। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले और वो सब कुछ करें जो कर सकते हैं एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर सुमित सिंह को और उन्होंने करीब करीब उन सभी सवालों का जवाब दिए जो कि अक्सर लोगों के जहन में इस बीमारी को लेकर होते हैं, और ये भी आम और बीमारियों की तरह हैं जिनको कि ठीक किया जा सकता है, जैसे कि बीपी और शुगर जो है, जिसमें लोग जिनको होती है वो जीवन भर दवाई खा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जीवन नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकते हैं।